नॉन पीरियोडिक मोशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होता है। द मोशन विच आर रिपीटेड आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशंस। वो मोशंस वो गति जो आपके पास रिपीट हो जाती है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, निश्चित समय अंतराल के दौरान कोई मोशन है वो रिपीट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशंस आर दोज मोशंस विच आर रिपीटेड आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम नोन एज पीरियोडिक मोशंस। जैसे आपके पास जो रोटेशन होता है एंड रेवोल्यूशन है हमारी अर्थ का अपनी ही एक्सिस पे अराउंड द सन, वो सभी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, जो हमारी अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस के ऊपर और सन के चारों ओर, तो वो क्या है? एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है? रिपीट होता है ना। तो ये जो मोशन है इस मोशन को क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो सभी जो ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं आपके पास वो पीरियोडिक मोशंस कहलाते हैं, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशंस में हमें पता है कि ऑब्जेक्ट है वो अपनी सेंट्रल पोजीशन से क्या करता है? टू एंड फ्रो मूव करता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे ऑसिलेटरी मोशन में आपने ये एग्जांपल किया था पेंडुलम वाला, इसमें क्या था? फिक्स्ड टाइम के बाद क्या होगा? एक घंटे के बाद ये फिर से क्या होगा? आपके पास ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही होता है, तो फिक्स्ड टाइम हो जाता है इसका। ऐसे ही स्विंग इन मोशन, मूवमेंट ऑफ ब्रांच ऑफ ए ट्री विद विंड, तो ये सभी ऑसिलेटरी मोशंस के एग्जांपल थे आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारा ऑसिलेटरी मोशंस है वो पीरियोडिक मोशन होता है। कैसे होता है? क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन फिक्स्ड इंटरवल जो टाइम है उसके बाद क्या होता है? रिपीट होता है। और हमारा पीरियोडिक मोशन भी यही कहता है कि वो मोशन जो रिपीट होता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स आर नोन एज पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड अराउंड द सन आर पीरियोडिक मोशन। जो हमारी पृथ्वी है उसका जो रोटेशन है, उसका जो चक्र है, वो क्या है? खुद की एक्सिस के ऊपर एंड अराउंड द सन, सन के चारों ओर, तो वो क्या है बच्चों? आपके पास पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि फिक्स्ड टाइम के बाद क्या होगा? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, आगे आपके पास अपीयरेंस ऑफ न्यू मून इज आल्सो पीरियोडिक। जो आपके पास नया चंद्रमा न्यू मून दिखाई देता है तो वो भी क्या है बच्चों? पीरियोडिक मोशन है। वो अपने फिक्स्ड टाइम के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं? रोटेट करते हैं आपके पास। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है बच्चों, अर्थ है, वो 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, हमें पता है। तो जब अगले 365 दिन आएंगे, दूसरे साल होगी, तो दूसरा चक्कर होगा उसके लिए। ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चों? आपके लिए रिपीट हो रहा है ये जो मोशन है, या फिर जो अर्थ है वो क्या कर रही है? फिक्स्ड टाइम के बाद अपने रोटेशन को दोबारा से कंप्लीट करेगी। तो इसका मतलब है कि अर्थ है वो रोटेशन कर रही है, ठीक है, अपने एक्सिस के ऊपर भी और सन के चारों ओर भी। ठीक है, तो कैसा मोशन हो गया ये हमारे पास? पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक है, आगे है बच्चों आपके पास द मोशन विच आर रिपीटेटिव बट नॉट अकर एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वो मोशन जो रिपीट तो होता है लेकिन वो क्या है आपके पास? बराबर जो समय है, रेगुलर टाइम इंटरवल है, उसके दौरान वो नहीं होता। ठीक है, जैसे आपके पास बर्ड्स है बच्चों, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जो बर्ड्स है बच्चों आपके पास, बर्ड फ्लाई इन द स्काई। हाँ जी मैम, आपकी वीडियो साफ नहीं आ रही। मैम सुनाई दे रहा है मुझे, आपके पास बिटन नेटवर्क की दिक्कत होगी, यहाँ पे तो फुल रेंज है।
यहाँ पर भी फुल है। हाँ तो वो में प्रॉब्लम हो जाती है ना, थोड़ी बहुत देर बाद हो जाएगा। ठीक है तो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी बच्चों, क्या ये अपनी वीडियो को स्टॉप कर लीजिए बच्चों, वीडियो को बंद कीजिए और बच्चों को सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। देखो बच्चों मैं आपको नॉन पीरियोडिक मोशन के बारे में बता रही थी, तो नॉन पीरियोडिक में आपके पास क्या होगा, फिक्स्ड टाइम नहीं रहेगा आपके पास, फिक्स्ड टाइम में क्या होगा, रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, द मोशन विच आर रिपीटेटिव, वो मोशन जो रिपीट तो होता है आपके पास, मीन्स रोटेशन वगैरह तो होगा उसके अंदर, बट नॉट अकर एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो लगातार जो आपके पास समय अंतराल है उसके दौरान वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपके पास 5 मिनट के लिए हो गया, फिर स्टॉप हो गया आपके पास, फिर नहीं होगा, फिर मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। है तो वो सभी एग्जांपल क्या है, नॉन पीरियोडिक मोशन के। तो ये नहीं है कि ये लगातार ही आपके पास ये वेव्स है ये पानी के अंदर रोटेट करेंगी या मोमेंट शो करेंगी, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि क्या हो जाएंगी वेव्स है उनका, जैसे ही पानी का भाव कम होगा ये वेव्स बननी भी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो रिपीट नहीं होगा यहाँ पे मोशन। ठीक है, आगे बच्चों क्या, फास्ट एंड स्लो मोशन। फास्ट एंड स्लो मोशन में सबसे पहले फास्ट का मतलब क्या है, वो मोशन जो जल्दी होता है। ठीक है, एंड स्लो मोशन का मतलब वो मोशन जो क्या होगा, धीरे होगा। ठीक है, तो एवरीडे हम देखते हैं यू सी द बॉडीज मूविंग सम फास्ट एंड सम स्लो, प्रत्येक दिन हम ये देखते हैं कुछ चीजें तो बहुत जल्दी बहुत तेज क्या करती है, मूवमेंट शो करती है, चलती है, और कुछ क्या करती है बहुत है? स्लो धीरे चलती हैं। ठीक है, जैसे रेस होती है, इन ए रेस द पर्सन हु फील्स द डेस्टिनेशन एट द अर्लीस्ट, जब रेस होती है कोई भी तो जो पर्सन है वो क्या करता है, जो जल्दी पहुंचता है मतलब डेस्टिनेशन प्लेस पे जहां उसको मतलब विन वाली जो पोजीशन है जो निर्धारित कर रखी है। ठीक है, तो वो जो जो जल्दी जाएगा इट मींस वो फर्स्ट आएगा, इट मींस क्या है आपके पास, वो जो मोशन है उसने कैसा किया है, फास्ट मोशन किया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो कार मूव करती है, कार हमारे बाइसिकल से जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, यू ऑलरेडी नो दैट कार मूव्स फास्टर देन बाइसिकल, तो हमें पता है क्या होगा, कार का जो मोशन है वो कैसा होगा, फास्ट मोशन होगा। ठीक है, क्योंकि कार क्या कर रही है, जल्दी ही अपने डेस्टिनेशन जो गंतव्य स्थान है वहां पर पहुंच रही है। ठीक है, कार कम समय लेगी वहां तक जाने के लिए और बाइसिकल ज्यादा समय लेगी आपके पास, क्योंकि बाइसिकल का मोशन कैसा है, स्लो मोशन है, एंड कार का मोशन बच्चों कैसा है, फास्ट मोशन है। ठीक है, अब आपके पास है स्पीड क्या होती है, इसमें ये इससे पहले ही दिया है, बताया है इसमें, बट इफ टू कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि दो कार हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज द डेस्टिनेशन प्लेस, ये कार हमारी ए इधर से आ रही है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, एंड कार बी इज मूविंग फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट साइड। ठीक है, तो कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में यदि हमारे पास टू कार है वो मूव कर रही है, तो आप ये डिसाइड करो, देन हाउ विल यू डिसाइड विच वन इज फास्टर एंड विच वन इज स्लो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सी है वो स्पीड, किसकी स्पीड ज्यादा है, या फिर कौन
कौन फास्ट चल रहा है और कौन स्लो चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसका जजमेंट करना पड़ेगा आपको। क्या आप उसका टाइम नोट करके आप पता लगा सकते हो कि इस पॉइंट तक आने के लिए कौन सी कार ने कम समय लिया है। जिसने कम टाइम लिया है उसका इसका मतलब है कि उसका मोशन कैसा है। जिसका टाइम कम होगा इट मींस उसका मोशन फास्ट होगा, वो जल्दी आ जाएगी, ठीक है। इस प्लेस पर, दिस इज द डेस्टिनेशन प्लेस, वी कैन कंसिडर हेयर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों, स्पीड क्या होता है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हो स्पीड के बारे में, सब लोगों ने पढ़ा है, स्पीड कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, जो भी है। तो स्पीड होती क्या है बच्चों, स्पीड है जनरली कितनी डिस्टेंस आपने कितने टाइम में कवर की है, वो आपके पास होती है स्पीड, ठीक है। मूविंग स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस है जो दूरी है आपकी, कितने समय में आपने उस दूरी को कवर किया है, वो क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग किसी पर्सन की स्पीड निकालते हैं और उसमें डिस्टेंस दिया होगा कि 5 किलोमीटर और टाइम दे देगा 2 आवर, ठीक है। तो आप लोग उसकी स्पीड कैसे निकालोगे कि 5 किलोमीटर 2 आवर में उसने कैसे कवर किया है, किस स्पीड से कवर किया है। तो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, ठीक है। जैसे आपके पास मैं बताती हूँ, कोई क्वेश्चंस बता देती हूँ। देखो बच्चों, मान लीजिए आपके पास डिस्टेंस गिवन है कितनी, 5 किलोमीटर, ठीक है। एंड टाइम दिया हुआ है इसने कितना, 1 आवर मान लीजिए, ठीक है, या फिर 2 आवर मान लीजिए। मैं तो वैसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो आपको स्पीड निकालनी है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों, आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टाइम टेकन। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 5 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना हुआ, 1, तो कितनी आ जाएगी स्पीड की वैल्यू, 5, ठीक है। ये किलोमीटर में है, ये आवर में है आपके पास टाइम, तो स्पीड की वैल्यू आएगी किलोमीटर, दिस इज द डिस्टेंस यूनिट हियर, तो क्या आ जाएगी, 5 किलोमीटर एंड पर आवर, क्योंकि हम टाइम को किस में ले रहे हैं, आवर में ले रहे हैं, ठीक है। यदि आपके पास यहाँ पे क्या होता, सेकेंड्स वगैरह होते, तो हम इसको भी क्या करते हैं, इसकी स्मॉल यूनिट्स हैं उनमें क्या करते, इसको कन्वर्ट करते, ठीक है, मीटर में। अब देखिए आपके पास एक न्यूमेरिकल है आपका जो बुक में है, टू सिस्टर्स हैं आपके पास, सीता एंड गीता केम होम फ्रॉम देयर हॉस्टल्स बाय कार। हॉस्टल से आती हैं दो सिस्टर, ठीक है, कार से आती है। तो कह रहा है जो सीता है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है बच्चों, 60 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। और जो गीता है वो करती है 180 किलोमीटर इन 6 आवर, 6 घंटों में 180 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है कि कौन सी जो कार है वो फास्ट रन कर रही है। इट मीन्स आपको स्पीड है उसके बारे में बताना है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप लोग इसमें स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। जो सीता ने जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपके पास, 60 किलोमीटर, ये आपके पास क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई 60 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों आपके पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
सबसे पहले आप लोग किसका निकाल लीजिए, सीता का निकाल लीजिए, ठीक है। कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने, 60 किलोमीटर। टाइम कितना है इसका, 2 आवर। तो इसकी स्पीड निकालोगे तो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस की वैल्यू 60, टाइम की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा, जब इसको आप 2 से कैंसिल करोगे तो 30 आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब निकाल लीजिए आप लोग जो सेकंड जो गर्ल है गीता, उसकी क्या निकाल लीजिए, स्पीड निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपके पास पता है डिस्टेंस, तो आपको गिवन है कितनी है, 180 किलोमीटर, ठीक है। टाइम की वैल्यू दी है इसने क्वेश्चन में 6 आवर, 180 किलोमीटर 6 घंटे में क्या करती है, ट्रेवल करती है, कौन, ये जो गर्ल है गीता, ठीक है। देखो 180 किलोमीटर इन 6 आवर, तो आप लोग इसकी स्पीड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 180 है, टाइम की वैल्यू कितनी है, 6 आवर, कितनी हो जाएगी, जब आप सोल्व करोगे 6 3 18 एंड दिस इज 0, ठीक है, तो क्या आ जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोनों जो स्पीड है बच्चों, यहाँ पे कितनी आई है दोनों स्पीड, 30 किलोमीटर पर आवर। दोनों जो स्पीड है बच्चों वो आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर आई है। इसका मतलब ये है कि दोनों जो आपके पास गर्ल्स हैं वो सेम स्पीड से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। यहाँ पर गर्ल्स की बात मीन्स वो जो दोनों कार हैं जिसमें वो गर्ल्स बैठी हैं वो सेम स्पीड से क्या कर रही है, रन कर रही है या फिर ट्रेवल कर रही है, ठीक है। दोनों कार की क्या है, सेम स्पीड है, तो हम यहाँ पे बता देंगे बोथ कार मूव्स विद सेम स्पीड, क्योंकि यहाँ पे देखो देखो बच्चों स्पीड दोनों की क्या आई है, सेम आई है, तो हम ये नहीं बता सकते कि किसकी ज्यादा स्पीड है या फिर कौन रन फास्ट कर रहा है, कौन स्लो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है, इक्वल आई है, ठीक है। एक की वैल्यू ज्यादा होती तो हम लोग बता देते कि ये वाली जो कार है, सेकंड जो कार है वो क्या कर रही है, इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला बच्चों आप लोग लर्न कर लीजिए, स्पीड इक्वल टू होता है मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास किसकी, स्पीड की यूनिट हो जाएगी, स्पीड की क्या है, फॉर्मूला है, सॉरी। यदि आप किलोमीटर में आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपके पास किलोमीटर में है, तो आपको टाइम आवर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो स्पीड आ जाएगी आपके पास उस टाइम पे किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब आपके पास डिस्टेंस है बच्चों वो किलोमीटर में दी है क्वेश्चन में, तब आपको टाइम किस में दिया हुआ होगा, आवर के अंदर, घंटों के अंदर, ठीक है। तो स्पीड किस में आ जाएगी आपके पास, किलोमीटर पर आवर में, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और यदि डिस्टेंस आपके पास मीटर में दी हुई है, जैसे मान लीजिए 2 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस मान लीजिए आपके पास 2 मीटर है, तो टाइम आपके पास सेकंड में दिया हुआ होगा, और नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, मिनट में भी दे सकता है। तो उस टाइम पे क्या आ जाएगी आपके पास, जो स्पीड की वैल्यू होगी वो आएगी आपके पास मीटर पर सेकेंड के अंदर, यूनिट है वो, क्योंकि डिस्टेंस यदि मीटर में गिवन है और टाइम सेकंड में गिवन है, तो स्पीड क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है बच्चों आपके पास, और टाइम की वैल्यू आवर में गिवन है, घंटों में गिवन है, तो स्पीड किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी आपके पास, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको ये चैप्टर तो आपके पास कंप्लीट हो गया है, एक बार इसका रिवीजन करवा देती हूँ। उससे पहले मैं आपको जो रिकैप्चर्स हैं इनमें आपको रिवीजन हो जाएगा, ये कवर अप करवा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरी डेफिनेशन है, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड।
जो मेजरमेंट है, जो मापना है बच्चों, क्या होता है? कंपैरिजन होता है आपके पास। कंपैरिजन होता है किसका? अनोन क्वांटिटी का, अनिश्चित जो क्वांटिटी है, मात्रा है उसका, किसके साथ? जो फिक्स्ड है, निश्चित मात्रा है उसके साथ, ऑफ सेम काइंड। ठीक है, वो क्या होता है आपके पास? मेजरमेंट होता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस केम क्वाइट अर्ली ड्यूरिंग सिविलाइजेशन। जो लेंथ का या फिर लंबाई का या फिर डिस्टेंस है, दूरी का जो मापना है, वो आपके पास पहले भी आपके पास होता था, लेकिन पहले एक्यूरेट नहीं होता था। ठीक है, अब क्या होने लग गया? जैसे जैसे आपके पास टाइम बीतता गया, एंशियंट टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं होता था हमारे पास मीटर स्केल्स वगैरह नहीं थे, तो हम एंगल का इस्तेमाल करते थे, हमारे हैंड स्पैन का यूज करते थे लेंथ को मापने के लिए। ठीक है, एंड इन एंशियंट टाइम, जो पुराने समय में क्या होता था, मैन हैड यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एज यूनिट टू मेजर लेंथ, सच एज एंगल्स, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट एंड पेस। आपको पता है, पहले हम लोग लेंथ को मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए क्या करते थे? या तो एंगल, जो हमारे हैंड्स की जो फिंगर है, दिस इज एंगल, ठीक है, तो उनका यूज करते थे लेंथ को मापने के लिए। हैंड स्पैन है, दिस इज द हैंड स्पैन, ठीक है, द टिप ऑफ थंब एंड ये क्या है आपकी मिडल फिंगर, इसको क्या है, अपनी हैंड को स्ट्रेच कीजिए, और जो लेंथ है आपकी किस किस के बीच में, जो थंब है उसकी टिप से लेकर मिडल फिंगर के टिप तक, उसको क्या कहते हैं? हैंड स्पैन बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है आपके पास क्यूबिट, ठीक है, फिर होता है पेस। तो इन सभी की हेल्प से बच्चों क्या करते थे, हम लोग लेंथ को मेजर करते थे। लेकिन आपको पता है, सभी बच्चों की या फिर सभी पर्सन की जो लंबाई है हाथों की या फिर फिंगर्स की, वो अलग अलग होगी, क्योंकि बच्चों की तो छोटी होती हैं, बड़ों की बड़ी होंगी। ठीक है, तो अलग अलग साइज होगा फिंगर्स का, हैंड्स का, इसलिए क्या होगा, एक्यूरेट नहीं आएगी लेंथ आपके पास, सही नहीं आएगी, बिल्कुल अलग अलग आएगी। तो इसलिए ये मेथड है आपके पास, ये तरीका है हमारा, ये सही नहीं हुआ, इसलिए हमें जो आपके पास जो डिवाइस है, मीटर स्केल वगैरह, उनका मीटर स्केल वगैरह है, उनका हम यूज करते हैं नाउ ए डेज, आजकल। ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं आपके पास, एसआई यूनिट फॉर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, ग्राम एंड सेकंड। लेंथ की यूनिट बच्चों मीटर होती है, ठीक है, मास की यूनिट हम ग्राम में लेते हैं या फिर किलोग्राम में भी ले सकते हैं। ठीक है, स्मॉल यूनिट हो गई ग्राम आपके पास, टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड हो गई। ठीक है, टाइम को हम सेकंड में माप लेते हैं, मास को किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एंड लेंथ की यूनिट क्या हो गई आपके पास, मीटर हो गई। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, अब आपके पास आता है रेस्ट क्या होता है बच्चों, एंड मोशन क्या होता है। तो रेस्ट का मतलब तो ये है कि रेस्ट, जैसा आप जानते हो, स्थिर रहना, एक जगह बैठे रहने को क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। यदि हम अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर एट रेस्ट पोजिशन। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, किसी वस्तु को आप रेस्ट पे कहोगे, स्थिर कहोगे। ठीक है, कब कहोगे बच्चों, जब वो अपनी जो पोजीशन है, स्थान है, उस समय के साथ नहीं बदलता। ठीक है, व्हेन इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, ठीक है, वो हो जाएगा आपके पास रेस्ट। मोशन कब होगा, जब समय के साथ साथ आप लोग अपना जो स्थान है वो क्या करते रहो, चेंज करते रहो। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, जब समय के साथ आप अपनी पोजीशन है, स्थान है, उसको बदलते हो, तो उसको क्या बोलते हो, मोशन बोलते हो। ठीक है, अब मोशन के टाइप के बारे में करेंगे कि मोशन कैसा है, स्ट्रेट है, कर्वीलिनियर है, या फिर रोटेशन है, कैसा है आपके पास।
ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ट्रांसलेटर के बारे में बताया है. एन ऑब्जेक्ट कैन मूव एज ए होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो मूव कर सकती है. कंप्लीट मीन्स एज ए होल का मीन्स है कंप्लीट. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. इसका मतलब ये है, जैसे बच्चों कार मूव कर रही है आपके पास, मान लीजिए, तो क्या होता है आपके पास, तो कार है वो मूव कर रही है, इसके सभी जो आपके पास यू तो है नहीं, कार के टायर मूव करेंगे, कार मूव नहीं करेगी, इट इज नॉट पॉसिबल. या फिर जो वाइपर्स हैं जो कार के, वो क्या करेंगे, वो मूव नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना. तो जो सारे जो जो भी चीज मूव कर रही है उसमें है, उसके जो सभी पार्ट्स हैं कंप्लीट एज ए होल, वो क्या करेगा, एक प्लेस से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करेगा, मूवमेंट शो करता है ना, गति दिखाता है, उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं. उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, और क्या होता है इसमें, ट्रांसलेटरी को हम ऐसे उसके टाइप्स में बताएंगे तो क्या होगा, टू टाइप्स के हो सकते हैं. एक तो रेक्टिलिनियर, कोई ऑब्जेक्ट है वो या तो स्ट्रेट जाए, स्ट्रेट जाएगा तो हम कह देंगे कैसा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है. द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज ए रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, वो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होगा उसको बोलेंगे क्या, रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, और जो मोशन आपके पास बच्चों कर्व में होगा या फिर यूं लगाओ रैंडम इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, आप इधर जाना चाहते हो, इधर जाना चाहते हो, किधर भी जाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन मोमेंट तो शो कर रहे हो आप, तो रैंडम का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में यदि आप मोमेंट कर रहे हो तो वो जो मोशन है, वो जो गति है, उसको कह देते हैं क्या, कर्वीलीनियर मोशन. और रोटेशन आपको पता ही है, फिक्स टाइम के बाद क्या होगा, रोटेट करती है कोई चीज अपनी एक्सिस के ऊपर, ठीक है, वो क्या हो जाता है, रोटेशनल हो जाता है. ऑसिलेटरी में जैसे पेंडुलम आपकी मूव करती है टू एंड फ्रो, तो कैसा मोशन है पेंडुलम का, ऑसिलेटरी मोशन है. पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक आता है आपके पास. पीरियोडिक मोशन वो मोशन होगा जो रिपीट होता है आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, जैसे हमारी अर्थ रिवोल्व करती है अराउंड द सन और एंड रिवोल्व्स रोटेट्स इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है. ठीक है, तो कैसा मोशन है बच्चों, वो आपके पास पीरियोडिक मोशन है क्योंकि रिपीट हो रहा है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, निश्चित समय अंतराल के दौरान वो जो मोशन है, वो जो गति है, वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. ठीक है, और जो अपना मोशन है, व्हेन मोशन इज रिपीटेटिव बट नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो अनिश्चित समय में जो आपके पास जो मोशन होता है उसको कह देते हैं क्या, नॉन पीरियोडिक मोशन. ठीक है, अब ये सब थे आपके क्विक रिवीजन में जो रिकैप्चर्स हैं चैप्टर के, वो सब चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. मेजरमेंट एंड जो मोशन चैप्टर नंबर 11 है वो आपका कंप्लीट हो गया है. ठीक है, आज आप लोगों का टेस्ट है इवनिंग में, चैप्टर नंबर कौन से का, 14 का टेस्ट है. सभी को याद है, सभी बच्चों को याद है क्या टेस्ट है आज? यस मैम. यस मैम. टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिएगा. चैप्टर नंबर 14 है फन विद मैग्नेट्स, उसका टेस्ट होगा और नोटबुक्स वगैरह साथ में कंप्लीट करते रहो. 6:30 पे है ना? हां जी, 6:30 पे है आपका टेस्ट. ठीक है, ओके, क्लास ओवर हो गई है बेटे. बाय मैम. बाय बेटे.